Hey guys, it's Hamza and you are watching HT Reacts. और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं आई एम अ शेफ बाय आकाश गुप्ता. स्टैंडर्ड कॉमेडी है और जहाँ तक मैं स्टैंड अप कॉमेडी की बात करूँ तो पर्सनली मुझे जो है वो अनुभव सिंह बस्सी, उनकी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत पसंद है. तो वैसे हमारे जो चैनल्स हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो ऑलमोस्ट हर न्यूज़ चैनल पे कॉमेडी का कोई ना कोई प्रोग्राम होता है. और जस्ट लाइक जैसे स्टेज की यहाँ पे कॉमेडी होती है और वही कंसेप्ट जैसे कपिल शर्मा ने अपने शो में यूज़ किया है, तो हमारे यहाँ वो बहुत पहले से चलता आ रहा है. लेकिन स्टैंडर्ड कॉमेडी की बात करें तो स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो बहुत ज़्यादा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंड अप कॉमेडी बाय आकाश गुप्ता. इसको देखते हैं और इसमें देखते हैं कि किस तरह का होने वाला है. अनुभव सिंह बस्सी, उनकी मैंने कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देखी हुई है. तो देखते हैं आकाश की किस तरह का स्टाइल है. हेयर वी गो. ओके जी, डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर देख लेते हैं. ओए मोंटी, उसके बाद आगे यूएस जा रहा हूँ मैं. अमेरिका, हाँ शो करने. अगर आप यूएस में रहते हैं तो मेरे शो पे आइए. ओके, टिकट्स लिंक नीचे शो है जी. जो बाकी नाउ एंजॉय, जो लोग इनके देखते हैं वो जरूर आप बड़े यूएस में ज्वाइन करें. आप कर लें आपसे बात. आप यहाँ पे जो मास्क उतार के यहाँ पे यार, ये मतलब ये कॉमन ऑडियंस में से जो है वो एक ये नया आ गया. एक पर्सन सेलेक्ट कर लो और उसको फिर बॉक्स करो, तो ये तो बड़ा कॉमन है. कोनी, हाँ भाई कोनी, ये मतलब ये जो भी है ना, ये तुमने आपसे पहले कोनी वर्ड सुना नहीं था? सुना था बट एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ बोल दूंगा. हम भी इसको कोनी कहते हैं. रिस्ट, जरा मुझे एक रिस्ट बैंड पहनाएगा भाई. रिस्ट ये फ्रेंडशिप बैंड ही बांधने में रिस्ट. तो आप क्या रात यहाँ मानते हैं? कौन से सर भाई, रिस्ट वॉच, ये रिस्ट है. तो ये क्या है सर? इन्फ्लुएंस हो गया. ये आम है? नहीं ये आम है, ये क्या है? एंकल भाई, तेरा शरीर दिखा मुझे तू पहले यार. लेकिन ये कुछ ज्यादा हो. ये क्या कर रहा है मेरे को? ये उसको पता नहीं. मैंने दो बता दिए, तू भी तो कुछ बताएगा. एल्बो किसने बताया? मैं नहीं बताऊंगा. हो गए आप कहाँ? ये होता है प्रतीक वाड़ का गाना है. एक बार हमें नहीं पता किसका सॉन्ग है ये. सही है सॉन्ग. क्या करते हो भाई, आपका नाम क्या है? शुभम. शुभम क्या करते हो आप? I'm a chef. You're a chef? ओह कहाँ पे? शुभम कैलकटा में. अच्छा मुंबई घूमने आए हो अभी? कजन रहती है यहाँ पे. सही है. तो कैलकटा में आपका अपना रेस्टोरेंट है कि कहीं जॉब इसी पे होने वाली है मेरे ख्याल में? ओह यार स्टूडेंट राइट, अभी प्याज काटना सीख रहे हैं. झोल मौछी झोल सब मैंने इन्वेंट किया है. सब यू नो. एक बात बताओ, जब आप होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कब कौन से ईयर में आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सी स्पेसिफिकेशन करनी है? फर्स्ट सेम में ही पूछ लेते हैं. फर्स्ट ईयर के एंडिंग. अच्छा, उसके बाद इंटर्नशिप होता है, यू हैव टू चूज व्हेदर. उसमें भी स्पेशलाइजेशन आती है. Whether you want to take, hello sir, welcome to Taj. Engineering. Yes, certainly, certainly. इतना certainly बोलते हैं ना होटल में. मैं कहा मत बोलो certainly यार. काम कर दो प्लीज. छह फोन कर दिए हैं, एक रुई नहीं भेजी जा रही तुमसे. Certainly, Mr. Gupta. Certainly. Certainly. Cotton चाहिए. पर बड़ी मेरे को बहुत बुरा लगता है हॉस्पिटैलिटी की जो जॉब्स है ना, सब
यार मतलब उनको गालियाँ ही पड़ती रहती हैं सर यार, है ना? और अगर वो अच्छा काम करते तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये तो इनकी नौकरी है, हाँ ये सर, है ना? तारीफ ही नहीं होती बेचारों की. तो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में सोचा था कि शेफ बनना है. सही है यार. कुछ आप इंटर्नशिप किया था? इंटर्नशिप कहाँ की? यूएस. यूएस में? वाह, इसको समझ आ गया. आप ऐसे जवाब देने पड़ेंगे जिनकी बेइज्जती ना हो पाए. अभी यूएस बोल दूंगा, क्या बोलेगा साले? हमारे यहां तो पॉलिटिशियंस भी यूएस बोल रहा था मुझे. एक पॉलिटिशियन ने तो पूरा यूएस पे ही ब्लेम कर दिए. तो यूएस में क्यों इंटर्नशिप करी? ये कॉमेडियन है, ये तो कर सकते हैं. भारी कुछ आपको बाहर करना था? कुछ इंडिया में नहीं करना था? तो फिर जॉब भी वहीं ढूंढना चाहते हो कि यही काम करोगे? यू गो बैक. अच्छा, तो वहां पे उसको पता है साउथ एशिया में कुछ नहीं होने वाला. हॉट डॉग यार. वैसे अमेरिकन क्यूजीन होता क्या है? फ्रेंच ही चलता है. उनकी अपनी कोई क्यूजीन जैसे हम लोग की है ना? हाँ होता है, जैसे बर्गर्स. ये बर्गर तो फास्ट फूड होता है ना? वो लोग यही खाते हैं. वो लोग यही खाते हैं बर्गर्स. ये बनाने जा रहे हो तुम? टिक्की डालने दो बन के बीच में. चार साल मेहनत करके सास आई एम अ शेफ. चार साल मेहनत करके यार यहाँ पे. सॉरी यार, मैं बहुत मजा ले रहा हूँ तेरे से यार. कोई नहीं, ठीक है. और बता फिर कौन सा बर्गर? सर्टिफिकेट दे दिए भाई. ले ले मेरे जिंदगी ले ले तू ले. वो क्या होती है भाई? तो फ्रेंच कुजीन, जो फ्रेंच खाना होता है. मुझे तेरी डिग्री देखनी है भाई. ना 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 आया चल ना. वैसे फ्रेंच कुजीन क्या होती है यार? मैं भूल गया, मैं खुद भूल गया यार. पास्ता वास्ता तो इटालियन होता है. सब कुछ ऐसे तुम्हारा उदोफ हो गया. चलो यार, हम समोसा की बात कर रहे थे. नेक्स्ट सेकंड ये पॉट ऑफ. पॉट ऑफ क्या होता है भाई? और कह रहे तुम्हारा तुम्हारा ऑड ऑफ हो गया. तुम्हारा पॉट ऑफ? मेरे तो भटूरे नहीं हो रहे भाई. मेरे को ये लैंग्वेज बड़ी सही लगती है. जैसे तुम्हारा वो मोदी है ना, तुम्हारा केजरीवाल है. मतलब मेरे सही है यार. तो ठीक है यार, फिर मैं यूएस शो करने आऊँगा तो पुट ऑफ खाएंगा. तो आ रहा हूँ यूएस. वो देखो मेरी फ्लाइट आ गई. ठीक है, हाँ एयरपोर्ट मैं निकलता हूँ. हाँ T3 क्या था? क्या था वो वर्ड? उदोफ. और दूसरा पॉफ. ऐसे ना बचपन में पाउडर डाल के पॉफ ऐसे उड़ाते थे हम. ये क्या होता है वैसे जेन्युइनली? फाइनल को इस कोर्स का नाम ओदोफ और पॉफ होता है. पर खाते क्या है? मतलब प्याज है, लहसुन है, ग्रेवी है, चिकन है, प्रॉन है, क्या है? ब्रुशेटा. हाँ तो ये बताना यार. जैसे हाँ ब्रुशेटा इस फ्रेंच में. और सूप हो गया. मेन कोर्स में क्या होता है? अरे मैं सच में सीखना चाह रहा हूँ यार. मेरे को नहीं पता ये सब. हाँ स्टेक. स्टेक इज फ्रेंच. वो बेचारा कॉमेडी सुनने आया था, उसके खुद के साथ कॉमेडी हो रही है. स्टेक एस्पैरेगस मैश पोटैटो. ये फ्रेंच क्यूजीन होती है क्या? आई ऑलवेज थॉट ये यूएस अमेरिकन क्यूजीन होती है. स्टेक तो यार वो अमेरिकन. स्टेक सब में आता है. स्टेक तो आप बर्गर के अंदर भी स्टेक डाल के. हाँ आप घूम फिर के बर्गर पे आ जाते हो मेरे यार. कोई बात नहीं यार. सॉरी अपना नाम क्या मेरे ख्याल भाई शुभम के लिए प्लीज. यू राउंड ऑफ अप्लॉज. कितना खुश हो रहा है. आना आना तुम्हें दो डबल पैटी दूंगा. आना न्यू हैम्पशायर. ऑल द बेस्ट मैन एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. अच्छा एक बात तो, अगर मैं जनरली वीडियो डालूं, डू यू माइंड मैं आपका नाम रख दूं उसमें? कितने वॉनअप हो यार. ओ मैं बहुत मीन हो रहा हूँ. सॉरी सॉरी सॉरी. खत्म खत्म. आज मैं सिर्फ ऐसा फोटो खिंचवाऊंगा. ठीक है. हाँ ठीक है, मतलब इसलिए खिंचवाते हैं. क्या होता है रात को जाएगी. आकाश ऑड ऑफ ऑफ. ओह ये डेजर्ट होती है. हाय दोस्तों, मैं पहली बार यूएस में परफॉर्म करने आ रहा हूँ. बहुत सारी सिटीज़
गाइस मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जैसे हमारे अनुभव जैसे एक उसका स्टाइल है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस को एज अ कॉमेडी प्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ भी यही एक्सपेक्ट करने वाला था लेकिन और कर रहा था। इवन के पाकिस्तान में रजा समो जो हैं वो आजकल अपने चैनल पे जब कोई भी लोग बनाते हैं तो या अपना कोई शेयर करते हैं कोई स्टोरी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कोई शेयर करते हैं तो वो भी इसी तरह फ़नी वे में शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी वीडियो ही उस ऑडियंस में जो भी ये शेफ़ था इसी के ऊपर हो गई है। तो होगा इसका मज़ीद क्योंकि पूरा 2-2.5 घंटे का सेशन होता है तो इसके मज़ीद भी वीडियोस होंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाएं तो हम उन पे रिएक्ट भी करेंगे। और बाकी मज़ीद देखते हैं, मीम्स देखते हैं, मूवीज़ रिव्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए कंटेंट के साथ, नई वीडियोस के साथ, और हम भी एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करें। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।